उत्तर प्रदेश के महुआ जिले के महूबकंठ थाने पर तैनात दरोगा का एक ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने रिश्वत की मांग करने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया है। ऑडियो में वह मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले में रिश्वत की मांग कर रहा था। वायरल ऑडियो एएमबी न्यूज के पास मौजूद है। महूबकंठ थाने पर तैनात दरोगा कमलेश का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने कार्रवाई करते हुए वायरल ऑडियो के आधार पर दरोगा कमलेश को निलंबित कर दिया है। कमलेश नाम का दरोगा एक युवक से फोन पर बात कर रहा था और युवक से मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले में 30,000 रुपए की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर गंभीर धाराओं में युवक को अंदर करने की भी धमकी दरोगा दे रहा था। वायरल ऑडियो के आधार पर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने कार्रवाई करते हुए महूबकंठ थाने में तैनात दरोगा कमलेश को निलंबित कर दिया है और आरोपी दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन ज्यादा एक सिंह प्राण में अगर वो पार्टी अगर तनाव के हम राजी कर लेंगे तो जाएगा एक सिंह जान में। फिर भी एक सिंह जान में जाएगा सर। हाँ, जैसे राजीनामा अभी होगा, राजीनामा होगा तो बात होती है। आप बताओ कितने चला सकते हो? तो ये बताओ। नहीं आप बताओ सर। नहीं आप बताओ। हम नहीं, हमने 30 बता दिया। 30? बता कम कर लगे साहब, आ रहे हैं हम, कल बात कर रहे हैं उनसे, बताइए आ रहा है जा। नहीं ऐसा है, 10 बजे के पहले अगर जो बता दोगे वही हो जाएगा, और 10 बजे के बाद बताओगे तो पाना मुकदमा कामयाब करा देंगे। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक खबर प्रसारित हो रही थी कि जिसमें महोबकंठ के थाने के एक उपनिरीक्षक के द्वारा पैसा मांगने की का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रकाश में आया है। इस संबंध में उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जांच एडिशनल एसपी को प्रदान की गई है और अग्रिम कार्रवाई जांच आख्या मिलने के उपरांत की जाएगी।